मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटर हॉफ से प्रदेशवासियों के लिए राज्य परिवहन विभाग के व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन निगरानी केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोग शांति प्रिय हैं और एक दूसरे का सम्मान तथा कानून का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन निगरानी केंद्र को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। इस प्रणाली में जब पैनिक बटन दबाया जाता है तो सैटेलाइट के जरिए 112 पर सिग्नल प्राप्त होगा और संकट में फंसे व्यक्ति से संपर्क करने के साथ पुलिस को भी सूचित किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि निर्भया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सार्वजनिक परिवहन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्थापित किए गए इस निगरानी केंद्र के माध्यम से वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटनाओं का पता लगाना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अभिनव पहल है जो राज्य की सड़कों को और अधिक सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य ने इस परियोजना के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए गर्व का विषय है। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हिमाचल प्रदेश ने एक नया इनिशिएटिव लेते हुए जो लोकल ट्रैकिंग डिवाइस के लिए कंट्रोल रूम के साथ जोड़ते हुए एक बेहतरीन शुरुआत की है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल करेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें कि चाहे वो महिलाओं के, चाहे वो बच्चों की, बेटियों की सुरक्षा की बात है और उनकी सहायता की बात है, उस बात को भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। और इसके साथ साथ में कहीं अगर घटना दुर्घटना अगर होती है तो उस सारी चीज में मदद जल्दी से पहुंच सके, रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों के जीवन को उस संकट में बचाया जा सके, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। मैं ट्रांसपोर्ट विभाग को, मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिस प्रकार से हमको जानकारी दी गई, ये संभवतः पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश है जिसने इसकी शुरुआत की। और जिस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से देख रहे थे कि हिमाचल की गाड़ी चेन्नई में भी, बेंगलोर में भी लोकेट हो रही है, उसकी स्पीड क्या है, तो यहीं बैठे बैठे उसको जो है वो आप मॉनिटर कर सकते हैं, उसको उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण एक ये इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से यहाँ पर शुरू हुआ है और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल जिस प्रकार से पूरी देश दुनिया में बढ़ता जा रहा है, हिमाचल उसमें अग्रणी होकर के उसका अनुसरण करते हुए उसका लाभ ले रहा है।